जय हो। आज के इस वॉइस नोट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि समस्या बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है। आपने खुद भी देखा होगा, आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो कुछ समय के लिए उसका कोई ना कोई हल निकल ही आता है, लेकिन हम इतने अधीर हो जाते हैं, धैर्य से काम नहीं लेते। कोई भी समस्या आती है तो उस पर चर्चा किए बिना घबराहट शुरू कर देते हैं, परेशान होने लग जाते हैं। तो आज जो मैं वॉइस नोट अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ, उससे यही शिक्षा मिलेगी आपको कि थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और तसल्ली से उस समस्या का हल ढूंढना चाहिए, मिल जाता है और बहुत जल्दी ही सॉल्व भी हो जाती है वो समस्या। सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। एक छोटी सी दृष्टांत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ मैं रोज कुछ न कुछ। बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध विश्व भर में भ्रमण करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे और लोगों को ज्ञान दे रहे थे। एक बार उन्होंने अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवेश किया। उन दिनों कोई वाहन नहीं हुआ करते थे, सो सभी लोग जो है पैदल पैदल ही मीलों तक चले जाया करते थे। ऐसे ही गांव में घूमते हुए काफी देर हो गई, बुद्ध जी को काफी प्यास लगी थी। उन्होंने अपने शिष्य को गांव से पानी लाने को भेजा। जब वह शिष्य गांव में अंदर गया तो उसने देखा वहां एक नदी थी जहां बहुत सारे लोग कपड़े धो रहे थे, कुछ लोग नहा भी रहे थे, तो नदी का पानी बड़ा गंदा सा दिख रहा था। शिष्य को लगा कि गुरुजी के लिए ऐसा गंदा पानी ले जाना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर वह वापस आया। महात्मा बुद्ध को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए उन्होंने फिर से दूसरे शिष्य को पानी लाने भेज दिया। कुछ देर बाद वह शिष्य भी लौट आया और पानी ले आया। महात्मा बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, फिर तुम साफ पानी कैसे ले आए? शिष्य बोला कि प्रभु, वहां नदी का पानी वास्तव में गंदा था, लेकिन लोगों के जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया और कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ साफ जो था वो नजर आने लगा। बुद्ध यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बाकी शिष्यों को भी उन्होंने एक शिक्षा दी कि हमारा ये जीवन है यह पानी की तरह ही तो है। जब तक हमारे अच्छे कर्म हैं तब तक सब कुछ शुद्ध है, लेकिन जीवन में कई बार दुख और समस्या भी आते हैं जिससे जीवन रूपी पानी गंदा लगने लग जाता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह बुराई को देख करके घबरा जाते हैं और मुसीबत देख करके वापस लौट जाते हैं। वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते ऐसे लोग। वहीं दूसरे और कुछ लोग जो धैर्यशील होते हैं वो व्याकुल नहीं होते हैं और कुछ समय बाद गंदगी रूपी समस्याएं, दुख खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो इस कहानी से यही सीख है कि समस्या और बुराई केवल कुछ समय के लिए उस पानी की तरह गंदी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो बुराई खुद ही कुछ समय बाद आपका साथ छोड़ देगी और आपको आगे बढ़ने लग जाएंगे। जय हो। आपका दिन मंगलमय हो, जीवन खुशियों से भरे, चारों तरफ आनंद ही आनंद की बरसात हो। उठो, जागो, रियाज करो। जय हो।